महोबा जनपद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना धरातल पर रेंगती नजर आ रही है। टूडा विभाग द्वारा संचालित इस योजना के लाभार्थी चुने जाने के बावजूद भी अभी तक चुने गए व्यक्तियों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच सका। गरीब तबके में आने वाले आज भी इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है, तो कहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। जनपद महोबा में प्रधानमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत चुने जाने के बावजूद भी लाभार्थी की कोई सुध नहीं ली जा रही। शहरी क्षेत्र में आने वाले कसौड़ा टोला में अधिकांश पात्रों के मकान कई माह गुजरने के बावजूद भी आज भी अधूरे के अधूरे पड़े हुए हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनाए गए व्यक्तियों का आरोप है कि कई माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक उन्हें विभाग द्वारा दूसरी किस्त नहीं दी गई। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी ना तो किसी अधिकारी द्वारा इनकी इस समस्या पर कोई ध्यान दिया गया है और न ही उनकी दूसरी किस्त उन्हें मिल सकी है। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। समय से ये मेरी आवास का पैसा नहीं आ रहा है मेरा। कब डाला था आपने आवास का फार्म? हमारे 3 साल हो गए हैं, 34 साल लग गई हमारी, 4 साल मतलब हो गए हमारे। तो आप कभी विभाग नहीं गई हैं? डूडा विभाग, उनसे पूछा नहीं है पैसा क्यों नहीं आ रहा? उनसे पूछते हैं तो वो ये कहते हैं आज आएगा आपका पैसा, अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा तुम्हारा पैसे में। नगरपालिका जाते हैं, नगरपालिका वाले बोलते हैं आज आएगा आपका पैसा। बताओ मजदूरी करते हैं, मजदूरी में बाहर डरे रहते बारिश में, कहाँ जाए? एक तो हमारा घर है, बच्चे हमारे सयाने हैं, कहाँ जाए? तो कभी आप इसकी शिकायत अधिकारियों से नहीं करी है? करी है हमने शिकायत, तो क्या बोले अधिकारी? कोई सुनाई नहीं रहती हम लोग की, कच्ची सुनाई है। 1-1.5 साल का हमने फार्म भरा है, अभी तक कच्ची सुनाई नहीं है। हम पन्नी के नीचे रह रहे हैं, हम नजर आप इसमें जाते हैं तो वहाँ पे अपना आधार दिखाते, कहेंगे जाओ तुम्हारा अभी आ जाएगा, 2-4 दिन बाद आ जाएगा, बस कह देंगे तख्ती में मेरा नाम लिखाएगा कि ओके है तुम्हारा आ चुका है। कम हमारे खाते में गड़बड़ी बता देते हैंगे। तो कैसी गड़बड़ी खाते में है? कछु खाते में गड़बड़ी नहीं है, बस ताला बताला दे रहे हैंगे जी। तो अधिकारियों से शिकायत नहीं की आपने इसकी? हम बहुत अधिकारियों से, हम जा जा के हम बहुत परेशान हैंगे वहाँ पे। नहीं तो क्या कहते हैं वहाँ पे? वहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा आ जाएगा त्योहार के बाद आ जाएगा, तुम्हारा नेट पे चढ़ गया है फलाना, दुनिया भर की बातें करते हैं वहाँ पे। तो आपने वहाँ पे जैसे उनसे कहा लिस्ट में हमारा देखिए तो क्या बोले वो? वो कहते हैं तुम्हारी लिस्ट पहुँच गई है, तुम्हारा 2-4 दिन में आ जाएगा, बस ऐसी ताला बताला दे के भगा देते हैं। हम दोनों मियाँ बीवी भक्ति जाते हैंगे। कितने दिन हो गए आपको? 1.5 साल से है, 1.5 साल से फार्म भरा हमने, अभी कच्ची सुनाई नहीं है हमारी अभी तक। हमारी समस्या ये है साहब कि बच्चों का आवास जो है, कहते फार्म दिया था 1 वर्ष के बाद जुलाई माह में पैसा आया बच्चों की किस्त का, फर्स्ट किस्त आई, और उसके बाद 4/11 को हमने DM दिवस में दरखास्त दिया, और DM दिवस से दरखास्त के बाद भी अभी तक कोई हमारी किस्तें नहीं आई, और बच्चे दूसरों के मकानों में रहने को किराए से परेशान हैं, और पन्नियों में गुजारा करके पलायन करके दूसरी जगह गुजारा कर रहे हैं, पर विभाग कोई सुनवाई नहीं की है और न कोई उसमें गौर फिक्र कर रहा है। प्रशासन तो बहुत अच्छी योजना दे रहा है गरीबों के लिए आवास की, पर उसमें प्रशासन के विभागीय अधिकारियों से क्या मालूम कि क्या देरी हो रही है, जो उनका पैसा उन तक नहीं दिया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है, और जिनकी किस्तें बाद में आती हैं उनको किस्तों में 15-15 दिन में दूसरी किस्त आ रही है, पहली किस्त का ही काम नहीं हो रहा है। और इस मोहल्ले में इतनी भ्रष्टाचारी धांधली चल रही है कि भ्रष्टाचार से देश तो आज़ाद हो गया, 70 वर्ष के बाद भी हम भ्रष्टाचार की छाया में ढके हुए हैं, और ये हमारे बच्चों का कोई किस्त की सुनाई नहीं की जा रही सरकार।